कर्नाटक हिजाब मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने वाली छात्राओं की तरफ से वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश के चलते परीक्षा में समस्या आ रही है। वहीं चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले का परीक्षा से कोई संबंध नहीं। जौनपुर में सपा के MLC प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव ने लगाया बड़ा आरोप, जिला प्रशासन मेरे घर के सामने बुलडोजर खड़ा करके घर गिराने की दे रहा धमकी। प्रशासन हमें प्रचार के लिए घर से निकलने की धमकी दे रहा है। सपा MLC प्रत्याशी मनोज यादव ने वीडियो जारी करके इस बात की जानकारी दी। नमस्ते प्रणाम, मैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव, समाजवादी पार्टी MLC प्रत्याशी जौनपुर। साथियों, मेरे घर के सामने बुलडोजर खड़ा कर दिया गया, आज मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है। ये शासन और प्रशासन का हताशा और निराशा पूरा दिख रहा है। आप जान लीजिए कि यहाँ पे खड़ा करके हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, निकलने नहीं दिया जा रहा है। साथियों, मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि ये प्रत्याशी से भी कहना चाहता हूँ कि प्रत्याशी इस चीज को जान ले कि डॉक्टर मनोज कभी झुकता नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का सिपाही है, ये माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही है, ये कभी झुकेगा नहीं। ये वहम निकाल देना दिमाग से। इटावा में यूपी बोर्ड की नकलविहीन परीक्षाओं का निरीक्षण करने के लिए DM SSP एक साथ निकले। जनपद में CCTV कैमरों की निगरानी में बोर्ड की परीक्षाएं हुई। लखनऊ में दो पाली में आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा। 9,02,113 छात्र और छात्राओं ने दी परीक्षा। सुबह 8 बजे से 11 और दोपहर 2 से 5 बजे तक हुई परीक्षा। 4,07,075 हाई स्कूल में और 4,02,331 इंटर के बच्चों ने दी परीक्षा। लखनऊ में मुख्य सचिव माधवी कराधा शुक्ला कर रही तमाम सेंटर्स का निरीक्षण। जुबली इंटर कॉलेज पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, बच्चों को फूल देकर उनका स्वागत किया, बढ़ाया गया बच्चों का हौसला। CCTV सहित तमाम व्यवस्थाओं को चेक किया, नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी दिए। ACS सूचना नवनीत सहगल ने दृष्टांत मैगजीन के अनूप गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। गंभीर धाराओं में हजरतगंज कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया गया। लखनऊ में कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां और तेज। लखनऊ के सभी आलाकमान इकाना स्टेडियम में तैयारी के लिए मौजूद। इकाना स्टेडियम में लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ की जा रही निगरानी। पीलीभीत में फीस जमा न होने पर छात्र को नहीं मिला प्रवेश पत्र, जिसकी वजह से परीक्षा छूट गई तो परीक्षा केंद्र से मायूस होकर बेरंग लौटा हाईस्कूल का छात्र। ये पूरा मामला धर्मापुर गाँव का बताया जा रहा है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले हुई लूट और गोलीकांड को लेकर जिले के दिनेश कुमार ने 4 टीमों का गठन किया और गोलीकांड का खुलासा करने की बात कही, जिसको लेकर आज बरखेड़ा थाना पुलिस सघन चेकिंग अभियान में लगाई गई थी। उसी समय मुखबिर की सूचना मिली कि गांव बादरपुर हुक्की को जाने वाले रोड पर कुछ संदिग्ध लोग मौजूद है, जिसको लेकर पुलिस ने अपना जाल बिछाया और बदमाशों के लिए घेराबंदी की, जिसको लेकर बदमाशों ने अपने आप को घिरा देख पुलिस पर फायर झोंक दिया। दिनों में जो मंडे के दिन एक पेट्रोल पंप तराई पेट्रोल पंप बरखेड़ा बिसलपुर हाईवे पे है, उनकी मुनीम रघुनंदन के साथ गोली मारकर लूट की घटना हुई है। रघुनंदन के पैर में गोली लगी थी। लगभग 1,65,000 के करीब कैश 3 अज्ञात बदमाशों ने लूट के फरार हुए थे। इसी क्रम में तुरंत FIR दर्ज किया गया है। घायल रघुनंदन को जल्दी से भर्ती करा के उनको जान बचाया गया है और घटना के सफल अनावरण हेतु 3 अलग अलग टीम्स बनाए गए हैं। सपोर्ट के लिए सर्वलांस और SOG टीम्स भी लगाए गए हैं, जिसकी सफलता देर आज अर्ली मॉर्निंग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में मिली, जिसमें कुछ अज्ञात बदमाश जो लूट में इन्वॉल्व हैं उनके संबंध में मुखबिर के सूचना के आधार पर SHO बरखेड़ा ने चेकिंग शुरू किया था। वहां पे पुलिस के ऊपर तुरंत जो संदिग्ध व्यक्तियों ने फायर किया। मैनपुरी में युवक की गोलियों से भूनकर अज्ञात हमलावरों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या की सूचना मिलते ही आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल भी पहुंच गया। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भारती बताया जा रहा है, जो कि 20-22 साल की था, बिजवा क्षेत्र का रहने वाला था, तो उसका नाना बाबू के पास में किसी अज्ञात लोगों ने गोली मार के हत्या की है। डेड बॉडी भी आप
पोस्टमार्टम हाउस पर है और देर रात तक तो तहरीर नहीं मिल पाई थी। घर वालों ने कोई उससे दुश्मनी भी नहीं बताई थी। FIR दर्ज कर ली गई है और शीघ्र ही खुलासा इसका किया जाएगा। ये मोहित यादव हैं, शोभाराम यादव के बेटा हैं, नगला हरकेसी के रहने वाले हैं, थाना बिछमा। और ये अपनी आरती की दुकान किए हुए थे नगला हरकेसी पुराली MP रोड पर। शाम को करीब थोड़ा अंधेरे के टाइम में, जो नारायणपुर केशवलाल माथुर चतुर्वेदी स्कूल है उसका फील्ड है, वहाँ लड़का क्रिकेट खेलते हैं, वहाँ पे पता चला कि मोटरसाइकिल खड़ी है और दो तीन फायर हुए हैं। तब लोगों ने इधर उधर से जाके देखा तो यहाँ मरे हुए मिले। यूपी बोर्ड परीक्षा का आज पहला दिन कन्नौज में प्रथम पाली में हाई स्कूल के छात्र छात्रा परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके थे। जिले के 10 संवेदनशील और 5 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। सचल दल और DIOS लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते रहे। नकल रोकने के लिए सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे भी लगाए गए, जिसकी ऑनलाइन निगरानी भी की जा रही है। हमीरपुर जनपद के सरीला विकासखंड में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया। प्राथमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने कक्षा 1 में पढ़ने वाली कबूत बालिका को पीट कर विद्यालय से बाहर निकाल दिया। जब परिजन की शिकायत करने विद्यालय पहुंचे तो दबंग शिक्षकों ने परिजनों से अभद्रता करते हुए उनको भगा दिया। श्री विनय कुमार जी ने अभी इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि उनकी छोटी बहन है जो विद्यालय करने प्राथमिक विद्यालय बनाकर में पढ़ती है, उनके साथ जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं उन्होंने उसे मार देने की शिकायत करी, तब पर मारा। तो अभी इन्होंने शिकायत करी है तो सब प्रकरण संज्ञान में आ गया, मैं इसकी जांच करूँगा और जैसे स्थिति पाई जाएगी, यदि दोषी पाए गए तो उसी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुनि के रेती थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगा में राफ्ट पलटने से बहने वाले कोलकाता के पर्यटक का शव बैराज जलाशय से SDRF की टीम ने बरामद किया। एक अज्ञात युवक का शव भी SDRF को मिला है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड प्रदेश में BJP की सरकार बनने के बाद फिर से पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश का मुखिया घोषित किया गया। तो वहीं प्रदेश में BJP की सरकार बनने के पहले दिन में ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन कर सरकार को घेरा है। ये भाजपा सरकार ने एकदम आज ही जैसे ही शपथ लिया, आज ही अपने इन्होंने जो इनका असली चेहरा है वो दिखाना शुरू कर दिया है। महंगाई आज से ही इन्होंने पे लगाम कर दी है। 50 रुपये आज ही रसोई के गैस सिलेंडर पर बढ़ाए हैं। रसोई की मार पहले ही पड़ रही थी, वो प्रदेश में रोजगार है नहीं, लोगों के पास पैसा है नहीं, और इन्होंने एकदम जो है शपथ लेते ही पहला काम जो है प्रदेश में महंगाई लाने का किया है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का किया है। जबकि कांग्रेस सरकार ने वादा किया था जनता से कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार आएगी उस दिन 1000 रुपये का सिलेंडर 500 में होगा, और इन लोगों ने क्या किया, 1000 रुपये का सिलेंडर 1050 रुपये में करने का काम किया है। सब जनता सड़कों पर आएगी और पुरजोर तरीके से इस भाजपा सरकार का विरोध किया जाएगा। कि सड़कों पर आने के लिए आदमी तैयार हो गया, गैस की कीमत वो बढ़ती जा रही, पेट्रोल डीजल की कीमत वो बढ़ती जा रही, इसके साथ साथ महंगाई पर सब जितनी भी महंग और चीज़ें सब पर महंगाई बढ़ेगी नंबर एक। अगर दूसरी चीज़ कोई एम्प्लॉई जब 2 साल से वो भी घर बैठा हुआ था, उसका EPF कटा, EPF पर तो कोई वो नहीं दे रही है, EPF के ऊपर जो ब्याज है या आपका पेनल्टी है वो तो नहीं दे रही सरकार। जो किसानों का पैसा रुका हुआ उस पर तो कोई पेनल्टी नहीं, बिजली का बिल अगर रुके हुए तो उन पर इतनी पेनल्टी लगा रखी कि देनी भारी हो रही, वो पेनल्टी देनी भारी हो रही, तो क्या करेगा आदमी, मजबूर हो रहा। इस देश का क्या होगा पता नहीं, युद्ध का बहाना ले रहे कि यूक्रेन में रशिया में युद्ध हो गया इससे महंगाई आ गई, नहीं तो हम यूक्रेन से तेल खरीदते, नहीं हम रूस से तेल खरीदते, तो आखिर महंगाई बढ़ रही क्यों, महंगाई बढ़ रही इनके भ्रष्टाचार से। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ BJP फिर से सत्ता में वापस लौट आई है और एक बार फिर सूबे की कमान पुष्कर सिंह धामी को ही सौंपी गई। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद मंगलौर कस्बे में BJP कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। आज उत्तराखंड के लिए बहुत शुभ दिन है। आज हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ ली है, उसके खुशी के इजहार में हम यहाँ सब नगर के कार्यकर्ताओं ने यहाँ प्रसाद वितरण में, हलवा वितरण में यहाँ प्रोग्राम रखा है, उसी के लिए यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। मंगलौर नगर के सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर।
नैनीताल की हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर 4000 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों पर बेदखली का आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल और रेलवे विभाग से रिपोर्ट मांगी है। राज्य की धाम सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने पर ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल का व्यापारियों ने भव्य स्वागत किया। व्यापारियों ने इस मौके को जश्न के रूप में मनाया, वहीं मौके पर आतिशबाजी और मिठाइयां बांटी। श्री प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम नेताओं का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि मेरे जैसे साधारण से कार्यकर्ता को पिछली बार अध्यक्ष विधानसभा और इस बार कैबिनेट मिनिस्टर बना के मेरा सम्मान किया है। मैं उनका आभारी हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से नेतृत्व जो भी मुझे कभी भी जिम्मेवारी जब भी दी हो मैंने उसे बखूबी निभाया है। निश्चित रूप से ये नया जो दायित्व मिला है उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। इस उत्तराखंड के विकास के लिए, पूरे प्रदेश के विकास के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध रहेगी और मैं उसमें एक छोटी भूमिका अपनी निभाऊंगा। सौरभ बहुगुणा को धामी मंत्रिमंडल में बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल किए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। सितारगंज स्थित मुख्य चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर जमकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। धामी जी के मुख्यमंत्री बनने पर पूरा उत्तराखंड में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई है और अपने मंत्रिमंडल के में दो लोगों को, एक्स्ट्रा लोगों को शामिल कर लिया है। और सितारगंज विधानसभा की महिलाएं इतनी संघर्ष की थी कि सौरभ बहुगुणा जी को मंत्रिमंडल में ले लिया गया है। इस खुशी में हम लोग एकत्रित होकर मिष्ठान वितरण कर रहे हैं और गाँव की जो जहाँ सुन रहा है सौरभ बहुगुणा जी की जयकार मचा रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिद्धारण के अंदर एक चुनाव दौरान एक हवा चली थी कि स्थानीय उस स्थानीय प्रत्याशी ने यहाँ के लोगों का ऐसा दिल जीता कि दिल्ली वालों ने उसे कैबिनेट बनाकर सिद्धारण वासियों को तोहफा दिया है। पहली बार सिद्धारण विधानसभा से कोई व्यक्ति मंत्री पद जो भी कैबिनेट के स्तर पर पहुंचे वो हमारे सौरभ भाई, हमारे विधायक। और खटीमा के जो आपने भी पड़ोसी विधानसभा का वहाँ के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि खटीमा वालों जिस हीरे की अगर आपने नहीं करी उसे दिल्ली वाले झोली तरास गए और उन्होंने और हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं कहते, उसका सिंह धामी कहते हैं। संभल के नखासा क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर शव जलाकर नाले में फेंके जाने का मामला सामने आया। जहां पर नाले में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इसको लेकर लखनऊ के कांग्रेस स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं। पिछली सरकार में ही सीएम योगी ने वादा किया था कि वो यूपी की इकोनॉमी को वर्ल्ड ट्रिलियन डॉलर बनाने पर काम कर रहे हैं। इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट भी बनाया है। इसे पूरा करने के लिए अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने देश के सभी बड़े कारोबारियों को शामिल होने का इन्विटेशन भी भेजा है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात दिल्ली में हुई। जयंत और चंद्रशेखर ने इसकी तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की। जयंत ने इसे सामाजिक बातचीत बताया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के थाना नानकमत्ता में दो दिन से लापता युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दो लड़कियां हैं, उनका नाम है तुम्हारा, उनका नाम तनुजा टमटा है, दूसरे का प्रियंका टमटा है। एक लड़के को यहाँ लेकर आए हैं मृत अवस्था में। इन दोनों लड़कियों का यह कहना है कि इसने फांसी खाई है। हम लोगों ने इसका पंचनामा भर दिया, पोस्टमार्टम में बॉडी भिजवाई है, अब इसकी जांच की जाएगी तो उसे तथ्यों में विस्तृत करवाई की जाएगी। सर डॉक्टर से कुछ बात हुआ? नहीं, पोस्टमार्टम में बॉडी भिजवाई है, पोस्टमार्टम के बाद ही इसमें निर्णय लिया जाएगा। तो हम फोन लगा रहे थे तो फोन इसका स्विच ऑफ बता रहे थे। जब हमने फोन लगाया तो फोन घंटी जा रही, फोन उठा नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद हमसे रात में लड़का हमारा आया, छोटे वाला, उसका भाई, मैं पता करता हूँ। रूम में जाके रूम में पता करने के लिए गया तो वहाँ पे उन लोगों के ताले लगे पड़े थे और ताले लगे पड़े तो जिस टाइम लाश यहाँ थाने में पहुँची या यहाँ अस्पताल में पहुँची तो हमारे को फोन गया कि तुम्हारा लड़का जो है उसको पैसा ले जाओ, लड़का जिंदा है, बच जाए।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। चंदौली के 94 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण नकल विहीन परीक्षा सुनिश्चित की गई। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए जिलाधिकारी संजीव कुमार, सकल डीएसडीएम अजय कुमार मिश्रा के साथ थानाध्यक्ष और सुरक्षा कर्मियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण भी किया था। जनपद चंदौली में उत्तर प्रदेश बोर्ड की इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षा आज से प्रारंभ हुई है। जो परीक्षा को नकल विहीन और शुचितापूर्ण बनाने का शासन का निर्देश है, उसके अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रत्येक केंद्र पर केंद्र व्यवस्थापक, बाह्य केंद्र व्यवस्थापक के साथ साथ एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट भी लगाया गया है और जो पेपर रखने की व्यवस्था है वो डबल लॉक की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं जो लगातार भ्रमणशील हैं और बच्चों को किसी तरह की समस्या न हो, साथ ही परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। यूपी बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं। संभल में 70 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हुई। हाई स्कूल में 24,000 से ज्यादा और इंटरमीडिएट में 20,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे थे। बस्ती के लालगंज थाना क्षेत्र में कुआना नदी में नाव पलट गई, जिसके चलते नाव में सवार 5 महिला नदी में डूब गई, जिनमें से 3 महिलाओं ने तैरकर अपनी जान बचा ली। वहीं 2 महिलाएं अभी भी लापता हैं। वहीं घटना के बाद वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोग महिला की तलाश में जुटे हैं। रायबरेली के उजौर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक पर एक युवती का शव मिला, जिसके बाद घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच पड़ताल में जुट गई है। बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना में नहर पर आज खुदाई में शेष बचे कार्य को पूरा करना था, लेकिन 50 मीटर नहर में खुदाई के कार्य में अधिकारी कर्मचारी और न्यायिक विभाग अपने सामने आ गया। छपिया शुक्ल गांव से होकर जा रही हरैया रजवाहा नहर खुदाई के विरोध में सुल्तानपुर में तैनात एडीजी मनोज कुमार शुक्ल रात में अपने खेत नहर खुदाई में जेसीबी के सामने लेट गए। एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हूँ, लेकिन यहाँ जो मैं बैठा हूँ एक न्यायिक अधिकारी के रूप में नहीं, मैं यहाँ अपने पुश्तैनी जमीन में हूँ। मेरे माता पिता हैं, मैं उनका एकमात्र पुत्र बचा हूँ, ठीक है। और ये मेरी जमीन यहाँ हम रहते नहीं, ये सब कब्जा कर ले रहे थे और हमको मेरे भतीजे ने बताया कि चाचा इस तरह से हो रहा है। मैंने कहा बेटा हमने एक पैसा ग्रहण नहीं किया, हम लोगों ने कभी कब्जा नहीं दिया, ये लोग इलीगल काम कर रहे हैं और ये लोग एक जो है अपराध कर रहे हैं जो नया एक्ट 2013 का भर इसमें जमीन के अधिग्रहण के संदर्भ में। तो ये लोग उसको जो है बिना जबरदस्ती पुलिस के बल पर, क्योंकि डीएम का आदेश है तो हम पुलिस वालों को दोष नहीं देंगे, क्योंकि पुलिस तो उनके आदेश को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन डीएम ने जो आदेश किया है यह एक बेईमानीपूर्ण आदेश है, एक भ्रष्टाचार से युक्त आदेश है। और डीएम का अब टेन्योर पूरा हो रहा है, योगी जी महाराज आ जाएंगे, उनका यहाँ से स्थानांतरण हो जाएगा, 4 सीट यहाँ से हार चुकी है जो देख ही रहे हैं, पूरी हो चुकी है, केवल यही पैच बचा हुआ था। और सबको मुआवजा दे चुके हैं? सब मुआवजा दे चुके। कितने लोगों को? और अब इसमें कितने लगभग टोटल? लगभग 1,000-2,000 लोग को होंगे। केवल आपने नोटिस वोटिस दिया कि आप मुआवजा ले लीजिए? हाँ, इनको नोटिस भी गई है, इन्होंने आपत्ति भी दाखिल की थी जिसका अच्छा। जवाब भी गया है हमारे यहाँ से। अच्छा, सब कुछ गया है। तो बिना फाइनल हुए उसको खुदवाने का नियम है आपके पास? अब यही हम लोग पे कब्जा है। आप किसके आदेश पे खुदवा रही है? ये एसडीएम साहिबा और डीएम साहिबा कह रहे हैं। जौनपुर के मड़ियाव थाना क्षेत्र के ताजुद्दीनपुर गांव में कुछ अराजक तत्वों ने अम्बेडकर बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी, जिसके बाद नाराज ग्रामीणों की तरफ से औरेला ताजुद्दीनपुर मार्ग जाम कर दिया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। संभल के बनियाठेर गांव में नेहटा रोड के पास बदमाशों ने रोड रोक कर राहगीरों से जमकर लूटपाट की। राहगीर ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उस पर गोली चला दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ले चले भैया, क्या मामला हुआ सर? बदमाश थे 3। हाँ, फिर क्या आ रहे थे नेटा गांव से। हाँ, यहाँ हमने देखा तो एक खड़ा था सड़क पर, टठियारा बांधा हुआ। हाँ, और एक बाइक और खड़ी थी, एक को लूटा था उन्होंने। तो हमने सोचा सिंगल होगा या डबल होगा तो हम निकले जाएंगे। तो हड़बड़ा गए हम भी लोग, हड़बड़ा के मोटरसाइकिल हमारी तिरछी हो गई, चढ़ गई एक मोटरसाइकिल, जब उसके चोट लगी या ना लगी। फिर हमारी मोटरसाइकिल दोबारा उठ गई, फिर बहुत देर मोटरसाइकिल आगे बढ़ा ली। कितने लोग थे वो? बहुत 3 थे। कितने पे छीने आपसे? मेरे पास 8,000 रुपये करीब पड़े। आप कहाँ रहते हैं? कुछ लोग कुछ पैसे मेरे 500 हो गए, कुछ 100 हो गए। तो आप कहाँ रहते हैं? करेली रोड खुर्जा गेट।
हरदोई में बोर्ड की परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं में उत्साह देखने को मिला है। जिले में 134 केंद्रों पर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो रही हैं। इसी के साथ ही परीक्षा नकल विहीन हो इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी और वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए थे। जी वैसा परीक्षाएं तो शुरू हो गई हैं और बच्चे भी आए हैं, लेकिन थोड़ा यह है कि पहला दिन होने के नाते कहीं कहीं पर रूम नंबर ढूंढने से या अनुक्रमांक नंबर ढूंढने से बच्चों को दिक्कत आ रही है। हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि स्कूल प्रशासन से कि थोड़ा पहले दिन बच्चों के साथ सही तरीके से उनको रूम नंबर और ये ढूंढवा दिया जाए। और 170 परीक्षा केंद्रों पर हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू हुई। हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। परीक्षा को प्रशासन ने जिले के 4 जोन और 11 सेक्टरों में बांटा। हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई थी। हर परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से परीक्षा कराई गई।